अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। तो आपसे हम सवाल ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं अहमद की तरफ। और अहमद, अहमद कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर के साथ आपका किरदार ज़ाहिर हुआ है और नेगेटिव इम्पैक्ट दिया गया है, तो अपने इस किरदार के बारे में बताएं हमें कुछ। जी, शेर के साथ सीन को स्टार्ट करना बहुत ही अमेजिंग था, और जहाँ तक मेरे किरदार की बात है तो उतना सच नहीं है कि ये जो आप कह रहे हैं कि नेगेटिव है। कुछ जो है ना इसकी चीज़ें वो बहुत पॉजिटिव भी हैं, जैसे कि जो मेरा करेक्टर है वो जो है ना वो ऑनेस्ट है अपने जो है ना बॉस के साथ, यानी जिसके साथ वो काम कर रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो उनके साथ ऑनेस्ट है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि उसके साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, तो उसके काम करने के तरीके पर बहुत डाउट्स हैं। तो जिस तरह का उसका स्टाइल है काम करने का, इस वजह से जो ना लोगों को ये इम्पैक्ट किया है कि वो बहुत ही नेगेटिव जो है ना वो करेक्टर है। तो ये बताएं कि आप जिस तरह कह रहे हैं ऑनेस्ट बॉस के साथ ऑनेस्ट, तो इस ट्रेलर में आपको बहुत काम दिखाया गया है, इसकी कोई खास वजह है? जी, मेरा किरदार जो है ना बेसिकली वो इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें ना, तो ऐसा सच मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह पार्ट टू जब आएगा तो आप उसमें देखेंगे सारा जो है ना मेरे रोल के बारे में, मेरे किरदार के बारे में कि मैंने क्या कुछ इसकी करना है और कैसे परफॉर्मेंस आई। तो फिनिक्स किस चीज़ को जाहिर करता है? फिनिक्स एक एजेंट है और ये बहुत ही गुस्से वाला और तबाही मचाने वाला करेक्टर है, तो जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बाकी के इसका जो है ना वो मेन रोल क्या था मूवी में।